तो आज अप्रैल की पहली तारीख है और आज मैं आपके साथ एडेनियम के पौधों की रिपोर्टिंग शेयर करने वाला हूँ। ये तीनों पौधे देखिए, मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाए थे जो कि बहुत कम रेट में मुझे मिल गए हैं। तो इन्हें मेरे पास आए हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। जब भी आपको एडेनियम का पौधा रिपोर्ट करना हो, 2-3 दिन पहले से उसे पानी देना जो आपको वो बंद कर देना चाहिए। इसकी सॉइल मिक्स को आप जितना हल्का बनाएंगे, ड्रेनेज टाइप बनाएंगे, उतना बेटर ये पौधा जो है वो चलता है। इसमें कोई खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, रेत का इसमें आप ज़्यादा इस्तेमाल करिए। इन पौधों के लिए, सकुलेंट्स पौधों के लिए, रेत में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखी जाती है। अब देखिए, ये मेरा पौधा है, देखिए इसकी रेत कितनी नरम है, जो जड़ों से बिल्कुल अलग हो जा रही है उठाते ही, देखिए। तो इस तरह का ही सॉइल मिक्स हमें तैयार करना होता है। इसमें जो खाद है उसको सबसे लास्ट में 1-2 लेयर बना के आप छोड़ दीजिए, उसके ऊपर आप सिर्फ रेत लगाइए। इससे जो पौधों की जड़ें हैं वो बहुत आराम से ग्रो कर सकती हैं। बहुत नरम मिट्टी रहने की वजह से इस पौधे के अंदर खुद ही पानी होता है, ऐसे तो पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। देखिए, ये पौधा पैकेट में थोड़ा मुड़ गया था, इसे मैं बेंडिंग वायर से सीधा कर लूँगा। अब मेरे पास 2 और पौधे हैं, इन दोनों पौधों को मैं इसी एक गमले में लगाऊंगा। देखिए, इस पौधे के अभी मैंने पानी देना बंद कर दिया था 2-3 दिन से दोनों को। अब इनकी मिट्टी देखिए आराम से अलग हो गई, खींचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस पौधे को भी मैं डायरेक्ट इसमें लगा के ऊपर मिट्टी से दबा दूंगा। किसी भी पौधे को लगाने का ये सबसे अच्छा तरीका रहता है, उसे 2-3 दिन पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए। जब भी नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसे शेडेड एरिया में आप रख दीजिए 2-3 दिन के लिए, ताकि वो इन्वायरमेंट वहाँ का गेन कर सके। तो ये तीसरा पौधा मेरा, देखिए इसको भी रेत में ही सिर्फ इन्होंने रिपोर्ट करके मुझे दिया है। देखिए, इसीलिए मैंने इसका जो पॉट मिक्स तैयार किया उसमें 1 लेयर में तो काउ डंग रखा है और नीचे ऊपर सिर्फ रेत रेत ही डाली है। अभी इसको जो मैं बाकी फर्टिलाइज़र जो है वो आपको मैं लास्ट में देख के बताऊंगा कौन कौन सा देना ज़रूरी रहता है और कैसे देना है। तो इस तरह से पौधा लगाने के बाद उसको साइडों से आपने पूरी तरह मिट्टी को थोड़ा दबा देना है, ताकि उसके अंदर हवा ना जा पाए और पौधा चलना जो है वो शुरू हो जाए। देखिए, इसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से मैं डाल दूंगा। और इसमें जो फ्लावरिंग का सीज़न रहता है वो मार्च के बाद से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, पर ये पौधे अभी थोड़े छोटे हैं तो इसमें टाइम लगेगा। अप्रैल में तो ये फुल ग्रोथ पे होते हैं, जब गर्मियाँ आने का टाइम होता है उस टाइम पे ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। बहुत डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वेराइटीज़ में ये अवेलेबल मिल जाता है, अमेजन से आराम से आपको मिल सकता है, किसी नर्सरी में भी मिल जाता है। ब्लैक कलर का इसका एक फूल वाला पौधा आता है, बहुत बढ़िया, और ये है कॉप। देखिए, इसे मिट्टी में डालने से इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है। मेरे पास पहले एक पौधा था जिसमें मैं कॉक का ही इस्तेमाल करता था, तो वो मुझसे कोई ले गया था। कोका कोला डालने के बाद ऊपर थोड़ी मिट्टी डालनी है, और उसके बाद ये है मेरे पास DAP, NPK और बॉन मील, तीनों मिक्स किए हुए हैं मैंने, देख सकते हैं आप। इन तीनों को ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल कर देना आपने अपने पौधे के ऊपर, और उसके बाद स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से आपने इसको पानी से जो है पूरा वो भर देना है। अब इस पानी में भी मैंने एप्सम सॉल्ट मिला के रखा हुआ है, देख सकते हैं, शायद अभी घुला नहीं है। इस पानी में मैंने एप्सम सॉल्ट मिलाया था, जिससे पौधों के पत्तों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है, पत्तों की शाइन बढ़ जाती है। एप्सम सॉल्ट को तो आप किसी भी पौधे में यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे के लिए यूज़ कर सकते हैं, गुलाब के लिए तो ये वरदान अमृत के समान माना जाता है। फ्लावरिंग के लिए, हैवी फ्लावरिंग किसे देखने को मिलती है। देखिए, अब जो जो फर्टिलाइजर इसमें लगने थे वो मैंने सब